पार्ट है और इसमें इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक हो गया ऑर्गन्स और दूसरे हो गए एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? माउथ, देन स्टमक सॉरी इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ अप टू द एनस एंड इन ह्यूमन बींग्स इट इज अराउंड 9 मीटर्स लॉन्ग, राइट? और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं एंड दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम जो वेरियस स्टेप्स ऑफ डाइजेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं वो हम खाना अपने हाथों से मुंह में लेते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन द टेकिंग इन ऑफ द फूड इन टू अवर माउथ इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। हम लोग हाथों से करते हैं, राइट? सेकेंड स्टेप हो जाता है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? It is the process of breaking down of large insoluble food molecules into small soluble food molecules so that they can be absorbed by into our blood, right? And this is assisted by enzymes. Enzymes kya hote hain? Biological catalyst. Biological catalyst hote hain that help in breaking down of large insoluble food particles into soluble, simple soluble forms, right? अब इसमें सबसे पहले खाना माउथ में गया, clear? अब माउथ में क्या होता है? माउथ कौन कहते हैं? बकल कैविटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बकल कैविटी। नाउ this buccal cavity, it can be divided into three parts: teeth, tongue, and third is salivary glands. जो दांत होते हैं हमारे, दांत क्या करते हैं? काटते हैं। They cut the food, they chew it, and they grind it. Right? Then comes the tongue. Tongue का क्या function होता है? Tongue helps in mixing saliva with the food. अब saliva कहाँ से secrete होता है? Salivary glands से. और tongue का दूसरा क्या function होता है? जब food saliva के साथ mix हो जाता है उसको नीचे food pipe में esophagus में भेजने का काम होता है. So tongue has two functions, right? And then comes the salivary glands. Now these salivary glands, they secrete an enzyme called salivary amylase. ये saliva secrete करते हैं। Saliva क्या होता है? Watery fluid होता है और liquid होता है और इसके अंदर salivary amylase enzyme होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सिंपल शुगर में, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो
जो सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, इट मिक्सेस विद द फूड, इट ल्यूब्रिकेट्स इट, एंड ऑल्सो द सलाइवरी अमाइलेज दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, इट कन्वर्ट्स, इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर. सो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ. सो द डाइजेशन ऑफ शुगर, इट टेक्स प्लेस इन द ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, इट स्टार्ट्स इन द माउथ और द बकल कैविटी. नाउ द फूड, इट इज स्लाइटली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड बोलस. एंड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, इट इज पुश्ड इनटू द ईसोफेगस और द फूड पाइप. जो ईसोफेगस होता है उसमें डाइजेशन नहीं होता, इट ओनली कैरीज द फूड टू द स्टमक. अब जब स्टमक में खाना आ गया है तब यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं. अब जो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में फूड कैसे पुश होता है, बाय पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस. जो यहाँ पे जो मस्कुलर वॉल्स हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, ये पेरिस्टाल्सिस होता है. ठीक है, इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एट द प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल. अब इसके बाद जो स्टमक में खाना आता है, स्टमक क्या होता है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ स्टमक हैज, इट सीक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं. अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन. पेप्सिन क्या होता है, इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जो गैस्ट्रिक जूस का जो मीडियम है उसे वो एसिडिक कर देता है. ठीक है, सो गैस्ट्रिक जूस इट इज एसिडिक इन नेचर. और ये एसिडिक होना क्यों जरूरी हो जाता है, जिससे कि जो पेप्सिन है वो अपना काम कर सके. पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना. इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. लेकिन जो ये पेप्सिन है ये स्टमक में पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, उसे एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत. और दूसरा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया दैट मे कम अलॉन्ग विद द फूड. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो फंक्शंस हो गए, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन एक्ट ऑन प्रोटीन्स, और दूसरा इट किल्स बैक्टीरिया दैट मे हैव कम अलॉन्ग विद द फूड. अब जो ये म्यूकस होता है, जो म्यूकस जो सीक्रेट होता है ये क्यों सीक्रेट होता है, जैसे कि जो स्टमक के अंदर वाली लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करा जा सके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक है उसको वो इरोड कर देगा एंड इट मे कॉज अल्सर्स. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एसिडिटी जो भी हो जाती है, लोगों को एसिडिटी क्यों होती है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एक्सेस में बनने लगता है तो उससे एसिडिटी हो जाती है. ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस होता है, इट इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन. फिर इसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ एक स्फिंक्टर होता है जो कि फूड को स्टमक से इंटेस्टाइन में भेजता है. अब जो इंटेस्टाइन है, वहाँ पे लिवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशंस भी आते हैं. लिवर जो है
वो बाइल जूस सीक्रेट करता है. दिस बाइल जूस इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड दिस बाइल जूस एक लिक्विड है, फ्लूइड है. इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड ऑल्सो इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन इन द स्ट्रीम. फूड आ रहा है इसे देखें, इसको वो एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि जो पैनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट कर सके उसके फूड. ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ बाइल इज. और दूसरा फंक्शन क्या उसमें होता है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ये बाइल सॉल्ट्स करते हैं. बाइल सॉल्ट्स इसका मतलब क्या होता है, तो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन. ठीक है, अब इसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये पैनक्रियाज सीक्रेट करता है. इसमें क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज. स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का डाइजेशन होता है. ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है और अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट है. अब जब इंटेस्टाइन में जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन होती हैं वहाँ पे भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं एंड इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, इमल्सिफाइड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल and proteins into amino acids. So complete digestion of food takes place in the small intestine. Clear? अब इसके बाद जो digestion का जो chemical part, chemical digestion वो complete हो चुका है, जो large insoluble food particles हैं वो convert हो चुके हैं with the help of enzymes into small soluble food particles. अब एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है, अभी एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ये एब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में ही होता है. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ विलाएं ये क्या होते हैं, ये दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. अब इसमें एंड दे आर विचुअली सप्लाइड बाई ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ जो विलाएं हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है, इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उससे रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है. जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो अब इस फॉर्म में क्या होता है, वो अब वॉल जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको पार करके ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैपिलरीज है इनमें चला जाता है. सो द फूड इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. अच्छा, ब्लड स्ट्रीम में फूड एंटर कर गया है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो डाइजेस्ट होके सॉल्युबल फॉर्म में आज हो जाता है कन्वर्ट और फिर जो विलाएं हैं उनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है उनके थ्रू ये पास हो जाता है और ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है. अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है इट इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी इन द ब्लड. ठीक है, अब इसके बाद एसिमिलेशन होता है. एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन इसका मतलब है कि जो अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उससे एनर्जी ओपेन. ठीक है, सो एसिमिलेशन
न्यू टिश्यूज, बिल्ड न्यू टिश्यूज, ठीक है। तो इसको एसिमिलेशन, अब ये इससे जो पूरा जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है और वो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो चुका है। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब उसका कोई यूज है नहीं, सो नाउ इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस और जो फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है एंड इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। अब देखिए उससे पहले इसको स्टोर करते हैं, इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम और फिर एनल स्फिंक्टर से ये जो इसका कंट्रोल करता है इसका इजेक्शन। सो द लास्ट स्टेप इज इजेक्शन, इजेक्शन इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। द एग्जिट ऑफ फेसिस controlled by the anal sphincter. So this is their human digestive system. ठीक है, इसकी हम इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, माउथ से, इट विल एंड एट एनस। ठीक है, माउथ में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टमक में पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों का है।